हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, वेज रिवीजन के रिलेटेड आईबीए और यूएफबीयू की जो 15 तारीख को मीटिंग थी उसके रिगार्डिंग आज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने अपना सर्कुलर इशू कर दिया है। इस मीटिंग में आईबीए टीम की तरफ से श्री राजकिरण राय, जो कि यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, वो मौजूद थे और उनके साथ साथ सभी यूएफबीयू के कंस्टिट्यूएंट्स के मेम्बर इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में जो भी बातें डिस्कस हुई हैं वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले इसमें परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात हुई है। 18/10 को जो इससे पहले की मीटिंग हुई थी उसके आगे इस पे बात करते हुए यूएफबीयू ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में कुछ और मॉडेलिटीज को प्रपोज किया है और आरबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो प्रपोज स्कीम है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एप्लीकेबल होगी और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके लिए ये ऑप्शनल है। और जो भी आगे मॉडेलिटीज़ हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो नेक्स्ट मीटिंग्स में डिस्कस होंगी। नेक्स्ट मैंडेट इशू के बारे में है। आईबीए ने अश्योरेंस दी है कि वो स्केल 7 तक के लिए मैंडेट इशू को जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर डिस्कशन हुई है वो बेसिक पे में स्पेशल अलाउंस के मर्जर के बारे में है। तो आईबीए ने कहा है कि स्पेशल अलाउंस को बेसिक में मर्ज करने से इसका रिटायरमेंट्स पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और जो उनके टोटल अलाउंसेज हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि वो इन सभी डिटेल्स को चेक करके नेक्स्ट मीटिंग में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट रिटायरीज के जो इश्यूज डिस्कशन हुई है वो है अपडेशन ऑफ पेंशन एंड फैमिली पेंशन। इसके लिए भी आईबीए ने अश्योरेंस दी है कि ये दोनों इशू भी जल्द ही रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट 14% कंट्रीब्यूशन की बात हुई है एनपीएस में, तो आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट में एनपीएस की 14% कंट्रीब्यूशन के बाद आईबीए भी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है एनपीएस में 14% तक इंक्रीज करने के लिए। 5-day week बैंकिंग के लिए आईबीए ने अपने जो पहले की प्रॉब्लम्स थी उनको ही दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यूनियंस ने 5-day banking के लिए अपनी स्ट्रॉन्ग डिमांड रखी है। नेक्स्ट रिटायरीज की मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में भी प्रीमियम को कम करने की रिक्वेस्ट की गई है। और नेक्स्ट जो परसेंटेज इंक्रीज की बात की गई है तो यूनियंस ने डिमांड की है कि आईबीए अपने ऑफर को 12% से इंक्रीज करे। तो अभी आईबीए ने इसके बारे में कुछ फाइनलाइज नहीं किया है, वो टोटल ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करके वेज हाइक की परसेंटेज को नेक्स्ट मीटिंग में बताएंगे। और सभी जो नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स हैं उसके लिए 21 नवम्बर को ऑफिसर्स की मीटिंग होगी जो कि स्मॉल कमेटी मीटिंग्स होगी और 28 नवंबर को वर्कमैन के इश्यूज की मीटिंग होगी और 28 नवंबर को यूएफबीयू अपनी भी एक मीटिंग करेगा इवनिंग में। तो फ्रेंड्स, यही था ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का वेज स्टॉक्स के बारे में लेटेस्ट सर्कुलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।